25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह है। देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है, मगर इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारी है, इस पर आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा संवाददाता रोहित डिमरी की खास रिपोर्ट। गर्म पानी आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पच्चीस अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लिहाजा तैयारियां आखिरी चरण में है। एबीपी गंगा केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। आगामी 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, और यात्रा के कह सकते हैं कि यात्रा की तैयारियों को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो नेपाली मूल के लोग हैं, सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं गोरगुंड पड़ाव में, और यह केदारनाथ यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। 18 किलोमीटर का जो पैदल पड़ाव है, घोड़े खच्चर के माध्यम से, डंडी गड्डी के माध्यम से, इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं के साथ तीर्थ यात्री यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर यात्रा तैयारियों को लेकर जो गोरगुंड के लोग हैं वह तैयारियों में जुटे हुए हैं। जगह जगह जो लोग हैं वह व्यवस्थाएं करने में जुटे हुए हैं। किस प्रकार से जो तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचे उनके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जाए, रहने खाने से अलावा अन्य जो उनके लिए की जाए। केदारनाथ यात्रा के बेस कैंप गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की 18 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। यहां से तीर्थ यात्री घोड़े खच्चर, डंडी कंडी और पालकी और पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं। केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से घोड़ा पड़ाव से शुरू होती है, जिसके जरिए यहां से यात्री घोड़े खच्चर की मदद से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक प्रीपेड काउंटर बना हुआ है। इस प्रीपेड काउंटर के जरिए यहां पे एक पर्ची कटती है घोड़े खच्चर संचालकों को, जिसके जरिए वे आगे पहुँचते हैं केदारनाथ धाम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रीपेड काउंटर बनाया गया प्रशासन की ओर से। गौरीकुंड को मिनी नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर ज्यादातर संख्या में होटल व्यवसाय में नेपाल मूल के लोग हैं, जो काफी समय से घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और पालकी का व्यवसाय करते हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव में इस बार घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष काफी घोड़े खच्चरों की, करीबन 350 के करीब घोड़े खच्चरों की अकारण मौत हो चुकी थी इस यात्रा के सीजन के दौरान। इसके बाद प्रशासन की ओर से यह निर्णय लिया गया कि जो भी घोड़े खच्चर संचालित होंगे उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम जंगल चट्टी पे हैं। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल चट्टी पड़ता है, और यहाँ पर करीबन गीजर यहाँ पे लगाया गया है। गर्म पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। इस तरह यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। हालांकि यात्रा पैदल मार्ग भी अभी भी कई जगह खतरनाक बना हुआ है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाण से कुछ ही दूरी पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी, जो यहां पर DDM में काम कर रहा है केदारनाथ पैदल मार्ग पर, उसने यहां पर पुलिया का नहीं किया है, जिस कारण जो है कह सकते हैं कि बरसात में यहां पर तीर्थयात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहां पत्थरों से जो मलबा यहां पर जमा है, बरसात सीजन जो मलबा आया है, जिससे पुलिया धसी है, पुलिया ढह गई है। पैदल मार्ग को बरसात के सीजन के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था, और साथ ही बर्फबारी के मौसम में रेन शेल्टर भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। यात्रा शुरू होने से पहले ये सभी काम पूरे करने होंगे। कहीं जगह पर रेन शेल्टर बने थे, लेकिन अभी तक कहीं पर भी रेन शेल्टर नहीं बन पाए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस जगह पर रेन शेल्टर बनना था, एक सप्ताह की यात्रा से कह सकते हैं एक सप्ताह बाद यात्रा शुरू होनी है, अभी तक यहाँ पे निर्माण कार्य जो है हो नहीं पाए हैं। और जगह जगह ऐसी एक जगह नहीं है, 18 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग का दायरा है, तो जगह जगह ऐसे कहीं स्थान है जहाँ पर रेन शेल्टर लगाए जाने से, लेकिन अभी तक रेन शेल्टर नहीं लगाए गए हैं। पैदल मार्ग पर लिंगचोली से आगे कई जगह अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हुए हैं, इनके बीच से काटकर रास्ता तैयार किया गया है। बाबा केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल शुरू हो रही है। प्रथम चरण की यात्रा में जब जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंचेंगे उनका यात्रा जो रहेगी भारी रोमांचक रहेगी। आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर 10 से 15 फीट के ग्लेशियर हैं अभी भी यहाँ पे मौजूद है। अप्रैल माह में यहाँ पर प्रथम सप्ताह में काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से यहाँ पर जो रास्ते में है गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का जो रास्ता है वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर आए हैं। देख सकते हैं आपकी घोड़ा खच्चर जो है इन ग्लेशियर के बीच से निकल रहे हैं, बड़े बड़े ये ग्लेशियर हैं। तो यात्रा के दौरान जो यात्री यहाँ पे पहुँचेंगे, देश विदेश श्रद्धालु पहुँचेंगे, उनको ये ग्लेशियर भी देखने को मिलेंगे। इधर यात्रा शुरू होने में समय कम रह गया है। जाहिर है कि प्रशासन को अब पूरी ताकत झोंकनी है, और इस बार पंजीकरण पहले ही शुरू होने से यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है, जिससे साफ संकेत है कि यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी।
एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।